वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य में आ चुका है सबसे बड़ा ट्विस्ट। करण के हाथों में लगने वाली है डीएनए रिपोर्ट, जिसमें यहां पर शौर्य का सबसे बड़ा यहां पर जो भाई है वो सामने आने वाला है और राज खुल जाएगा राजवीर का। लेकिन उसके बाद में क्या होगा करण का कदम और आने वाले एपिसोड में शौर्य ने जो प्लान बनाया है राजवीर को फंसाने के लिए, क्या वो कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं, चलिए सारी बातें आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। उसे बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। आप सबको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसमें अब यहाँ पर करण को सबसे बड़ा सबूत मिलने वाला है। राजवीर का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए वो अब यहाँ पर पूरी तरह से सैंपल इकट्ठे करने की कोशिश करेगा, जिसमें वो कामयाब भी होगा। लेकिन कहानी एक सबसे नए मोड़ पर आ चुकी है, जिसमें करण के सामने आएगा कि उसका बेटा रुद्र कोई और नहीं बल्कि राजवीर ही है। और करण को ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि राजवीर मुझसे बदला ले रहा है, लेकिन क्यों उसके बारे में वो पता करने की कोशिश करेगा। राजवीर के सामने इतनी जल्दी सच नहीं आने देगा करण। आने वाला एपिसोड एक और नया ट्विस्ट लेकर आएगा जो कि आप सबको चौंका कर रख देगा, क्योंकि अब यहाँ पर शौर्य ने जो प्लान बनाया था, आप सबके मन में सवाल है कि आखिर में वो कामयाब होगा या फिर नहीं। तो चलिए उसका जवाब मिल चुका है। शौर्य का प्लान कामयाब नहीं होगा, बल्कि सभी लोगों को शौर्य के ऊपर शक हो जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पल्कि, उसके साथ साथ यहाँ पर काव्या और उसका मंगेतर और उसके साथ साथ शनाया भी मौजूद रहेंगे, जो कि शौर्य के पूरी तरह से मंसूबे पर सवाल उठाएंगे। अब आखिर में शौर्य ऐसा क्यों करना चाहता है, ये सवाल उठेगा, जिसके बाद में अब आने वाले एपिसोड में शौर्य अपना प्लान भी जब एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर प्लान पूरी तरह से उसका फ्लॉप होना कंपलसरी है। वो क्यों, उसके बारे में अपडेट जल्दी मिल जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।